आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे बाथरूम की कंप्लीट फिटिंग कैसे की जाती है, कहां से लाइन लाई जाती है, कितने इंच पर लाइन घुमाई जाती है और कितने इंच पर पॉइंट दिया जाता है। जैसे कि आप यहां पर देखते होंगे, ये एक टेनिस स्टेडियम बन रहा है, तो यहां पर ये जेंट्स टॉयलेट और बाथरूम बने हैं। यहाँ इसमें चार टॉयलेट और चार बाथरूम हैं। अगर आप प्लम्बिंग का थोड़ा बहुत भी काम जानते हैं तो आप इस वीडियो को पूरा देख करके बहुत ही आसानी के साथ प्लम्बिंग की फिटिंग कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये हमारे यहाँ पर हमारा ऊपर टैंक लग जाएगा और यहाँ से हमारी ये टैंक वाटर की आउटलेट लाइन 7 इंची की हमने डाल रखी है यहाँ पर, और यहाँ से हमने इसको 7 इंच का 1.25 रिड्यूसर करके इधर 1 इंच निकाल दिया, इधर 1 इंच निकाल दिया है यहाँ पर रिड्यूसर करके। तो ये हमने नीचे से फ्लोर की हाइट से 1 फिट पर ये लाइन घुमाई है हमारी, ये हमारी टैंक वाटर की लाइन आ गई। और दूसरी ये हमारी इनलेट मतलब टैंक को भरने की ये मोटर की लाइन हमारी यहाँ से सीधी, ये सीधा वहाँ से निकल गई इधर को, जैसे कि आप देख सकते हैं। आपको कहीं भी फिटिंग करनी है तो नीचे के फ्लोर की लेवल से 1 फिट पर आप घुमा सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर सामने हमारी ये लाइन सीधी गई है और ये हमारा मोटर का बिल्कुल निकल गया सीधा, और ये हमारी 1 इंच की लाइन यहाँ से सीधी बाहर निकल गई है। यहाँ पर हमने 1/1 पाउंड की टी डाल करके उधर अंदर पॉइंट बना रखे हैं, जैसे कि आप यहाँ सामने देखते होंगे। जैसा कि आप यहाँ पर देखते होंगे, इस साइड में को हमने पॉइंट यहाँ पर निकाल रखे हैं। यहाँ पर हमारा ले जाएगा एलिमेंट मिक्सचर, और ये हो गया हमारा गीजर का पॉइंट। गीजर का पॉइंट हमने जो लाइन हमने 7 इंची खड़ी करी थी उसी से निकाल दिया है यहाँ पर, और ये गीजर की आउटलेट लाइन यहाँ से उधर को चली गई है, उधर को फूम हुई है, और ये यहाँ पर मिक्सर में इसका पॉइंट आ गया, और इसमें मिक्सर में पॉइंट आ गया है इसका। इसका एलिमेंट मिक्सचर का इसके पॉइंट के ऊपर मैं अलग से वीडियो आपको बनाकर दे दूंगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, हमने 1/1 पाउंड की टी लगा करके उधर, और यहाँ पर 1 इंच के एल्बो लगा करके यहाँ पर इसका पॉइंट खड़ा कर दिया है। यहाँ पर टॉयलेट लगने वाला है, 1 पीस टॉयलेट। यहाँ पर हमारे 4 टॉयलेट आएंगे 1 पीस वाले, और इसमें बाद में ग्लास का पार्टीशन लग जाएगा हमारा। तो इसका फिटिंग का वीडियो भी मैं नेक्स्ट वीडियो में समझा दूँगा आपको, पहले आप इसके पॉइंट के बारे में समझ लीजिए, इसकी सीपीवीसी की फिटिंग के बारे में समझ लीजिए। हमारी लाइन नीचे से फ्लोर से 1 फिट की हाइट पर घूमी थी, और ये हमने नीचे दे दिया 18 इंची का। इसमें क्लाइंट चाहे तो जेट भी रख सकता है, इसमें हैंड फोसे भी ला सकते हैं, और ये हो गया हमारा सिस्टम का। ऐसे सेम यहाँ पर है, एक टॉयलेट हमारा यहाँ पर, दूसरा यहाँ पर, और तीसरा ये, चौथा यहाँ पर ही है। इसमें 4 टॉयलेट हैं, 2 बाथरूम आ गए, 1 बाथरूम हमारा बाहर है, और यहाँ पर बॉथ बेसिन है, और ये यूरिनल, यहाँ पर हमारे 3 यूरिनल लगने वाले हैं। एक यहाँ पर बच्चों के लिए यूरिनल लगने वाला है, और यहाँ पर बड़ों के लिए 2 यूरिनल हमारे लग जाएंगे। तो मैं आपको बाहर का भी थोड़ा समझा देता हूँ। इसकी यूरिनल के पॉइंट की फिटिंग के बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझा दूँगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। जैसा कि आप सामने देख रहे होंगे, यहाँ पर डबल कंसल्ट की फिटिंग है, इसमें टैंक वाटर और फ्रेश वाटर मोटर का यहाँ पर साबर में हमने दिया है। यहाँ से हमारी 1 फिट पर लाइन ही घूमती हुई, और यहाँ पर हमारे लगने वाले 3 बाथ बेसिन। इसमें ठंडा गर्म दोनों पानी रहेगा, मिक्सर लग जाएगा बाद में, और यहाँ पर डलने वाली है सिर्फ बाद में। यहाँ पर हमने नीचे से इसको 18 इंच की हाइट पर पॉइंट बना दिए हैं, इसका गैप जो हमने 13 इंच ही रख दिया है सेंटर टू सेंटर। ये यहाँ पर बहुत कुछ है, एक यहाँ पर बहुत कुछ, और ये तो यार दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो फुल डिटेल में समझ में आ गया होगा। अगर कुछ डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जरूर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।